इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा, और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम है, और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें, देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रो एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए।